हेलो एवरीवन, आज हम क्लास नाइन्थ के लिए बेटे आपकी बुक मोमेंट्स से चैप्टर वन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉस्ट चाइल्ड। और वीडियो वन में हमने इसके वर्ड मीनिंग किए थे और थोड़ी सी स्टोरी समझी थी। अब हम इस चैप्टर की रीडिंग करने जा रहे हैं बेटे। ये देखो, अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। एक चाइल्ड जो है वो कहाँ जाता है, फेयर में जाता है, एंड किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। ही इज़ हैप्पी, वो बड़ा ही खुश है, एंड एक्साइटेड उत्तेजित भी है, एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़। और क्या क्या चीज़ चाहिए उसको, स्वीट्स चाहिए और टॉयज़ चाहिए। डिस्प्लेड हेयर, जो कि देयर यहाँ पर मेले में, जो मेले में दिखाई गई हैं। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम, लेकिन वो जो उसके पेरेंट्स हैं लड़के के, वो उसको खरीदते नहीं हैं उन चीज़ों को, फॉर हिम, उस अकेले। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ वैन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। फिर हम ये लास्ट में है बिल्कुल लेसन के बेटे, वो सेम चीज़ों को रिफ्यूज़ होता है, मना करना। क्यों मना कर देता है जब कोई उसको ऑफर करता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप से क्या है, पेरेंट्स से बिछड़ जाता है, अलग हो जाता है, इसलिए वो सारी चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती। इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ द स्पेरिंग, यहाँ पर बसंत का मौसम है बेटा, बसंत का त्यौहार है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड द एलेज एमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, यानी कि जो रास्ते पहले बिल्कुल खाली पड़े होते थे, वहाँ पर अब विंट्री शेड्स, यानी कि विंटर का हल्का हल्का मौसम्स है, और नैरो लेन्स, जो तंग रास्ते हैं, गलियारे हैं, और इमर्ज होता है बाहर आना, गेली खुशी खुशी, क्लैड क्लोथ ह्यूमैनिटी, यानी वहाँ पर आदमियों का आना और जाना हो गया है वहाँ पर अभी। सम वॉक्ड, कुछ क्या कर रहे हैं इंसान, चल रहे हैं। सम रोड ऑन द हॉर्स, कुछ घोड़ों पर हैं। अदर सेट, कुछ बैठे हुए हैं। बींग कैरिड इन बैम्बो, और बैम्बो लेके जा रहे हैं। एंड बुलक कार्ट्स, और छकड़ा गाड़ी। वन लिटल बॉय रैन, और एक छोटा सा लड़का, जिसको हम पूरी स्टोरी में रीड करेंगे, एक छोटा सा लड़का दौड़ता है बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, अपने पापा की टांगों के बीच में से। ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, और ब्रीमिंग मैंने भरा हुआ किसके साथ, लाइफ एंड लाफ्टर के। बेटे जो लड़का है, जो अपने पापा की टांगों के बीच में से जा रहा है मस्ती करता हुआ, ब्रीमिंग मैंने, या आपने सारे वर्ड मीनिंग उसमें अभी मैंने पिछली वीडियो में जो आपको पढ़ाए हैं वहाँ से देखे हैं आपने। ब्रीमिंग होता है फुल ऑफ, विद भरे होना, विद लाइफ, जिंदगी के साथ और हंसी के साथ वो लड़का, यानी कि उसमें कुछ चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, सिर्फ इंजॉयमेंट है बेटे। एंड कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने उसको पुकारा कि बेटे आओ यहाँ पर आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड बिहाइंड होता है बेटा पीछे रह जाना किसी चीज़ की वजह से, लैग्ड बिहाइंड क्या होता है, पीछे रह जाना। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, यानी कि जब मेले में जाते हैं और एक लाइन में बिल्कुल सारे खिलौने ही लगे होते हैं शॉप्स पे, उनके द्वारा आकर्षित होकर, फैसिनेटेड क्या होता है, आकर्षित होकर वो पीछे रह जाता है लड़का। ही हरिड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स की तरफ दौड़ कर जाता है वो जल्दी करके। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और उसके जो पाँव हैं, ओबीडियंट क्या होता है, आज्ञाकारी, ओबीडियंट क्या होता है बेटा, आज्ञाकारी, टू देयर कॉल, देयर आता है पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता की कॉल के लिए। हिज आई स्टिल लिंगरिंग, लिंगरिंग होता है पीछा करना, स्टिल मैंने अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी, और स्टिल का मीन्स शांत भी होता है, ठहरा हुआ, लेकिन यहाँ पर स्टिल का मीनिंग क्या है, अभी भी उसकी जो आँखें हैं पीछा कर रही हैं। ऑन द रिसीडिंग टॉयज, यानी कि जो टॉयज पीछे छूटते जा रहे हैं, रिसीडिंग क्या होता है, पीछे छूटते जाना। देखो बेटा सारे वर्ड मीनिंग रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको पहले ही समझाए थे ताकि आपको लेसन में प्रॉब्लम ना आए। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जहाँ पर वो आता है उसके माता पिता को वहीं रुकना पड़ता है। ही कुड नॉट सप्रेस, सप्रेस क्या होता है, दबाना, द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की इच्छा। इवन दो ही वेल नो द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल ऑफ देयर आइज, वो जानता है अपने मम्मी पापा की आंखों की तरफ देखकर, जो बिल्कुल घूरती रहती है किस चीज़ में, मनाही में, जैसे आपके मम्मी पापा कई बार मुंह से बोल कर नहीं बताते, सिर्फ आंखों से इशारा कर देते कि हम नहीं दिलवाते ये चीज़, तो वो लड़का समझता है किस चीज़ को, ओल्ड कोल्ड स्टेयर रिफ्यूज़ल को, इन देयर आइज़, अपने पेरेंट्स की आइज़ में। आई वॉन्ट दैट टॉय, उस लड़के ने कहा मुझे ये लड़का, सॉरी ये टॉय चाहिए। ही प्लीडेड, प्लीडेड भी आया था, प्लीडेड क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। हिज फादर लुकड एट हिम रेड आइड, लाल आंखें करके उसके पेरेंट्स, फादर ने उसकी तरफ देखा। इन हिज फैमिली अ टायरेंट वे,
फैमिलियर जो पहले से परिचित है, टायरेंट एक डराने वाला निर्दयी सा वे, हिज मदर मेल्टेड, मेल्टेड होता पिघल जाना, पिघलना यानी कि मन पिघल गया, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर, जो डे है वो क्या है बिल्कुल ही सॉफ्ट सा है, एंड गिविंग हिम हर फिंगर, और उसको अपनी फिंगर दे रही है टू होल्ड पकड़ने के लिए, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है, इट वॉज़ अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। अब देखो नेचर की सारी ब्यूटी का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि क्या है वहाँ पर, मस्टर्ड फील्ड है, सरसों के खेत हैं, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और ऐसे पीले दिख रहे हैं जैसे सोना पिघल रहा हो, मेल्टिंग गोल्ड सोना पिघल रहा हो, कंपेरिजन कर रखी है लाइक से, यहाँ से कंपेरिजन है, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, स्वेप्ट अक्रॉस होता है बेटा फैले होना, वहाँ पर माइल्स मिलो दूर इवन लैंड पर एक जैसी धरती पर फैले हुए हैं, क्या मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत। अब ये द फर्स्ट मस्टर्ड फील्ड का, ये सारे क्वेश्चन में आएंगे बेटे आपके कि चाइल्ड को किस किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया। अब सेकंड चीज़ जो उसने को अट्रैक्ट कर रही है वो क्या है, ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग, बसलिंग आपने सीखा था कि मूविंग बिजली, जो बिजी होके मूव कर जाना आगे, अबाउट इन देयर गोल्डी पर्पल विंग्स, जो बिल्कुल चमकीले एकदम से पर्पल कलर के विंग्स उनके साथ, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट, और जो फ्लाइट वो उड़ान भर रही है एक दूसरे की उड़ान को काटते हुए, फिर लोन बी और बटरफ्लाई इन द एयर विद हिज गेज, और जो लड़का उनको अच्छे से घूर कर देख रहा है बटरफ्लाईज को बीज को, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, स्टिल होता है यहाँ पर अब शांत, वो वेट कर रहा है कि वो जब जो तितली है अपने विंग्स को कब शांत करेगी, एंड रेस्ट करेगी, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो फड़फड़ाती रहती है पंखों को अप इन टू द एयर हवा में, वैन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, ऐसा लगता है जब लड़के ने उसको पकड़ ही लिया है तब उसकी मदर उसको कॉशनरी कॉल देती है, मीन्स सावधान करने वाली, कम यहाँ आओ चाइल्ड, कम ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर आओ, ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गैली, खुशी खुशी जाता है, एंड वॉक अप्रोच, और साइड में फुटपाथ पर भी चलता है साइड बाय साइड फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। आप इमेजिन कर लो आप मस्त चाल में कैसे चलते हो, कभी मम्मी पापा का हाथ पकड़ते हो, कभी छोड़ते हो, हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर पीछे छूट जाता है, अट्रैक्टेड बाय लिटल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे पतंगों के द्वारा अट्रैक्ट होकर, वॉर्म्स कीड़ों के द्वारा, अलोंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ के सारे हैं, दैट आर टीमिंग आउट, टीमिंग आउट होता है फुल बाहर हो जाना बिल्कुल, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, अपने छिपे स्थानों से, क्यों, टू इन्जॉय द सनशाइन, धूप को इन्जॉय करने के लिए, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कार्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रो, ग्रो होता है पेड़ों का झुंड, पेड़ों के झुंड से उसके पेरेंट्स उसके पुकारते हैं, यहाँ आ जाओ, वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्स, जहाँ पर उन्होंने अपने आप को बिठा लिया है, ऑन द एज ऑफ वॉल, किनारे पर दीवार के, ही रैन टुवर्ड्स देम, वो जो लड़का है देम यहाँ पर पेरेंट्स के लिए आया है, अपने पेरेंट्स की डायरेक्शन की तरफ दौड़ता हुआ आता है, ए शोवर ऑफ यंग, फिर से नेचुरल सीन आ गया, शोवर ऑफ यंग फ्लावर फेल, यंग फ्लावर क्या होते हैं, जो अभी अभी खिले हैं, यंग फ्लावर्स जो अब ये बच्चे के ऊपर गिर रहे हैं, एज ही एंटर्ड द ग्रुप, जैसे वो पेड़ों के झुंड की तरफ एंटर्ड करता है, एंड फॉरगेटिंग और भूल जाता है अपने पेरेंट्स को, ही बिगेन टू गैदर, उसने इकट्ठे करने शुरू कर दिए, गैदर क्या होता है इकट्ठा करना, रेनिंग पेटल्स, रेनिंग होती है बरसात होना, और पेटल्स होता है फूलों की पंखुड़ियाँ, इन हिज हैंड्स, बहुत सारे जो फूलों के पत्ते ऊपर से झड़ रहे हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, तभी उसने क्या सुनी, साउंड सुनी, सिंगिंग सुनी डव्स की, पाखता की, एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और चिल्लाते हुए दौड़ा, द डव 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 देखी है मैंने यहाँ पर, और रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम द हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और उसके फॉरगॉटन हैंड्स में से क्या छूट गए बेटे, वे इकट्ठी करी हुई पेटल्स, कम चाइल्ड कम, फिर उसके माँ बाप फिर से कह रहे हैं यहाँ आ जाओ, दे कॉल्ड द चाइल्ड, उन्होंने बच्चों को बुलाया, हु हैड नाउ गोन रनिंग इन द वाइड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, अब जो जा चुके थे जंगल के रास्ते में जहाँ पर क्या बनियन ट्री है, एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रो द मस्टर्ड फील्ड, और उन्होंने एक तंग रास्ता लिया जो मस्टर्ड सरसों के खेत के माध्यम से फेयर तक जाता है, क्योंकि उनको अल्टीमेट जाना कहाँ है, फेयर में जाना है, अभी तक वो फुटपाथ पर चल रहे हैं, रास्ते में बटरफ्लाइज देखी, ड्रैगन फ्लाइज देखी, मस्टर्ड फील्ड्स देखे, अब यहाँ से हमारा क्या है सारा मेले का सीन शुरू हो जाएगा, एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रोंग्स कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर,
एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग। जो लड़का है जो जिस वर्ल्ड में यानी कि मेले के वर्ल्ड में उसने एंटर किया है, वहाँ पर एंटर करते ही वो कन्फ्यूज हो जाता है और हर चीज़ में रिपेल्ड पीछे हटना चाहता है आकर्षित होकर। और एज दे एंटर्ड द विलेज, जैसे ही उन्होंने विलेज में एंटर किया, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, और उन्होंने दूसरे फुटपाथ्स देखे जो चीज़ों से भरे हुए थे। कन्वर्जिंग द वर्लपूल, और फेयर क्या है, बिल्कुल गोल गोल सब चीज़ें वहाँ लगी हुई थी। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और हर चीज़ में उसने पीछे मुड़ना, आकर्षित होना, कन्फ्यूजन भरा कि वो मेले में कहाँ आ गया है। ए स्वीट मीट सेलर होक्ड, होकर होते हैं जो बेटा घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं, होकर होता है वहाँ पर चिल्लाना, एक मिठाई बेचने वाला चिल्ला रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट ऑफ द फुट ऑफ ए आर्किटेक्ट ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और वहाँ पर क्या है जो स्वीट्स है कलरफुल है, बिल्कुल ऐसे लगता है कुछ सजा सी रखी हैं काउंटर पे अलग अलग तरह की, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और वो डेकोरेट है लीव्स से सिल्वर और गोल्ड की। द चाइल्ड स्टेयर्ड होता है घूर कर देखा, ओपन आई उसकी आईज खुली की खुली रह जाती है, और माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में क्या है पानी आ जाता है। फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए, बट हिज फेवरेट स्वीट, उसकी फेवरेट स्वीट है, आई वांट दैट बर्फी, मैं वो बर्फी चाहता हूँ। क्वेश्चन MCQ फॉर्म में आएंगे तो आप ये सब लिख सकते हो कि उसकी फेवरेट डिश क्या थी, बर्फी थी। ही स्लोली मर्मर्ड, मर्मर्ड क्या होता है बेटा, बुदबुदाना मुंह के अंदर ही। बट ही न्यू, ही हाफ न्यू एज ही बैग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि उसकी जो प्ली है, रिक्वेस्ट है, वो हीड मैंने ध्यान नहीं दी जाएगी, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी, उसके पेरेंट्स उसको लालची कहेंगे, ग्रीडी होता है लालची। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, वो आगे की तरफ मूव कर गया। अब इसमें पैरे में हमने क्या देखा बेटा, इस पैराग्राफ में हमने स्वीट सेलर के बारे में देखा, अब क्या है, फ्लावर सेलर है। अ फ्लावर सेलर होक्ड गारलैंड ऑफ गुलमोहर, एक गारलैंड ऑफ गुलमोहर की, गुलमोहर के फूलों की माला, गुलमोहर की फूलों की माला। द चाइल्ड सीम्स इररेसिस्टिबली ड्रोन, इररेसिस्टिबली स्ट्रॉन्ग डिजायर जिस दैट कैन नॉट बी रेजिस्ट, ऐसी इच्छा जिसको दबाया नहीं जा सकता, उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वो टोकरी की तरफ गया, द वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पर जो फूल है वो ढेर में पड़े हुए थे, ले होता है पड़े होना। एंड हाफ मर्मर, फिर बुदबुदाया, आई वांट दैट गारलैंड, मुझे गारलैंड चाहिए, बट ही वेल न्यू, फिर से जानते हैं उसके पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, बिकॉज दे कुड से वुड से दे वर वेरी चीप, कि कहेगा बट घटिया है नहीं दिलवाएंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव, फिर से मूव कर जाता है बेटे। एंड ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, और एक आदमी वहाँ पर खड़ा होता है होल्डिंग मैंने थामे हुए पकड़े हुए, पोल होता है बांस डंडा, जिस पर येलो कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, पर्पल कलर के बैलून्स है, फ्लाइंग फ्रॉम इट, जो उड़ रहे हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्ड, सिल्की जैसे कलर लग रहे हैं, और अट्रैक्ट हो जाता है फिर से उनकी शान से, रेनबो जैसे 7 कलर्स में होता है, ऐसे बहुत सारे कलर्स के बैलून्स देखकर वो अट्रैक्ट हो जाता है। ही वॉज फील्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस दैम ऑल, उसको इच्छा होती है कि मैं ये सभी मेरे पास हों, पजेस होता है लेना। बट ही वेल नो हिज पेरेंट्स, फिर से जानता है वुड नेवर बाय हिम, वो कभी नहीं खरीदेंगे द बैलून्स, बिकॉज ही दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉय, इतना छोटा नहीं रह गया कि वो इन टॉयज़ के साथ खेले। सो ही वॉक ऑन फर्दर, आगे बढ़ना, फर्दर क्या होता है आगे बढ़ गया। फिर उसको स्नेक चार्मर दिखा, देखो पहले में उसको बर्फी वाला, स्वीट्स वाला, फिर उसको क्या दिखा फ्लावर सेलर, फिर उसको क्या दिखा बैलून सेलर, अब क्या एक स्नेक चार्मर यानी कि सांप वाला। ए स्नेक चार्मर स्टूड स्पेरा प्लेइंग अ फ्लूट टू द स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, कोइल्ड होता है ऐसे गोल गोल पोजीशन में बैठ जाना, वो जो सांप है बास्केट के अंदर बैठा हुआ है, और जो स्नेक चार्मर है वो फ्लूट प्ले करके, बांसुरी प्ले करके, बीन बजाकर उसको दिखा रहा है। ही इट्स हैड रेज्ड, उसका जो हैड है रेज्ड मैंने उठा हुआ है ग्रेसफुली शानदार तरीके से, बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वैन, और उसकी जो स्वैन है हंस है उसकी तरह उसकी गर्दन झुकी हुई है थोड़ी सी। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटर,
लाइक फिर से तुलना कर रखे, कहते हैं जो म्यूजिक का इफेक्ट हो रहा है ना वो उसके कानों में ऐसे जा रहा है, इनविजिबल ईयर जो दिखाई नहीं दे रहे, कान नहीं दिखाई देते सांप के, जैसे कि जेंटल रिपलिंग। रिपलिंग क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द वाटर, जो वाटर की मूवमेंट होती है वो भी इनविजिबल सी होती है, वाटरफॉल झरने की, उसकी तरह उसके कानों में वो म्यूजिक की साउंड जा रही है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, जो बच्चा है वो कहाँ चला गया? स्नेक चार्मर की। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन, फॉरबिडन होता है मना ही, उसके पेरेंट्स ने मना करा था, नॉट टू हियर सच कोर्स, खुरदरी सी आवाज़ नहीं सुननी, एज द स्नेक चार्मर प्लेयर, जो कि स्नेक चार्मर बजाता है, ही प्रोसीडेड फर्दर, प्रोसीडेड होता है आगे चलना, फर्दर आगे चलता है, देयर वाज ए राउंड। अब देखो इस पैरा में क्या आया, झूला आया है, झूले के बारे में। मेले में झूले तो सबसे बड़े अट्रैक्शन होते हैं, इन फुल स्विंग मैन वोमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशंस, गोल गोल घूम रहे हैं, झूले पर बैठ के चीख रहे हैं, शीक्ड एंड क्राइड विद डीजी लाफ्टर, चक्कर आ रहे हैं उनको, हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। चिल्ड्रन वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, तब तो उसने स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट की, आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड अबाउट, मैं इस झूले में जाना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर मदर मम्मी पापा प्लीज़ मेरे को इस झूले में जाना है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटे, यहाँ तक ही रीड करेंगे, और इसके बाद आपका ये वाला पेज और ये रह गया बेटा, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश है, एक पार्ट में और इसकी वीडियो बनेगी, आप इसको ध्यान से देखना। यदि आपने MCQ अटैम्प्ट करने हैं तो चैप्टर को बहुत ध्यान से इसकी वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी, नहीं तो आप खाली क्वेश्चन आंसर लर्न कर पाओगे ना तो उसमें MCQs नहीं अटैम्प्ट हो पाएंगे बेटे आपके, तो वीडियो को ध्यान से देखना बेटे। थैंक यू।